हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में उबाल है और ये मुद्दा लेकर हम आपके सामने सुबह सवेरे आ गए हैं क्योंकि पाकिस्तान से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य को दर्शा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान देश में नए सिरे से चुनाव की मांग करते हुए अपने समर्थकों के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इमरान खान आजादी की असली लड़ाई छेड़ने की तारीख का ऐलान कर देने के साथ देश में आए सियासी पारे की लकीर को खींच रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है और क्या बदलाव होने वाला है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर यूं कहें कि गृह युद्ध छिड़ने वाला है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी क्योंकि पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सियासी भूचाल इसलिए है, अस्थिरता का माहौल इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब ने गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इमरान खान साहब आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासत में शहबाज शरीफ साहब सब कुछ भूल गए हैं, आवाम के मसलों को भूला गया है, आवाम की बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन आवाम के लिए काम इमरान खान करना चाहते हैं और आगे आने वाले समय में वो चुनाव की मांग कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें कल की, तो कल जिस तरीके से पथराव की घटना हुई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं क्योंकि तकरीबन ये कहा जाता है कि 100 से ज्यादा पीटीआई समर्थकों यानी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इमरान खान साहब, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है तो सड़कों पर एक बार फिर से हुजूम होगा पीटीआई कार्यकर्ताओं का, इमरान खान के साथ लोगों की मौजूदगी होगी, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए ये चुनौती होगी। और ये चुनौती हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आगे आने वाले भविष्य को दर्शाएगी कि आखिर शहबाज शरीफ इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं या फिर आगे आने वाले समय में इमरान खान सियासी सफर कैसे तय कर पाते हैं। पर क्या आगे आने वाले समय में चुनाव होगा क्या पाकिस्तान के अंदर, सवाल ये भी है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर जो अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के भविष्य में कुछ बदलाव होने वाला है, उसकी आहट कहीं ना कहीं लग रही है और वो आहट किस तरीके से है आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम इमरान खान साहब दे चुके हैं और इमरान खान का अल्टीमेटम ये है कि खास तौर पर जो अमेरिकी साजिश हुई है, जो विदेशी साजिश पाकिस्तान के अंदर हुई है, वो आगे आने वाले समय में अब नहीं होगी क्योंकि जब चुनाव होंगे तो इमरान खान को पूरा विश्वास है कि वही सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होंगे। ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कई बातें कह रहे हैं। इमरान खान साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि रूस का जाना कुछ लोगों को नागवार गुजरा, यानी रूस वो पहुंचे थे, रूस के अंदर जाना इमरान खान साहब का नागवार गुजरा, जिसके बाद विदेश से साजिश रची गई और इमरान खान साहब को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में पिछले दिनों जो हलचल हमें देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि इमरान खान साहब अपनी कुर्सी को बचा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान साहब की कुर्सी चली गई और सत्ता पर काबिज हो गए शहबाज शरीफ साहब। लेकिन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की राजनीति अभी भी अस्थिर है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन तो चुके हैं, लेकिन सरकार लंदन से चल रही है और नवाज शरीफ उसे चला रहे हैं और यही बातें बताते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लाठीचार्ज पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर किया गया और 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है, उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ खास मेहमान थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके का माहौल है और ये कैसा भविष्य दर्शा रहा है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब हैं। शहजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पर और हमारे सहयोगी चैनल JK247 न्यूज़ पर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपना समय देने के लिए। कैप्टन अनिल गौर साहब हैं, अनिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई है, खुशी हुई है मिलकर सर। और आरबी उपाध्याय साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले कैप्टन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि समय समय पर हम पाकिस्तान को लेकर बातचीत करते रहे हैं, जब कई मुद्दे चल रहे थे, रूस में जाना भी हुआ था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब का, जब वो प्रधानमंत्री थे, अब तो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं,
लेकिन क्या लगता है आपको, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माहौल चल रहा है, एक तो कहा जाता है कि भैया सेना चलाती है पाकिस्तान की सरकार को, लेकिन अभी थोड़ा सा साइड है सेना, लेकिन क्या परिस्थितियां आपको लगती हैं, भविष्य क्या लगता है पाकिस्तान का? अनिल गौर साहब, में है वो जी तो जब से इनकी नीतियां जो हैं, देखिए जो मुल्क अपने जो मुल्क के जो सरगना जो भी है वो अपने मुल्क को एक बदले की आग में झोंक दे तो उसका कुछ नहीं बनेगा। 47 से ये पहले कश्मीर के में थे, क्योंकि अभी भी कश्मीर के लेके बैठे हुए हैं, वहां पे अफगानिस्तान में घुस गए। जब अमेरिका ने कहा जी आप ये मिलिटेंट्स ट्रेन करने हैं हमने रशियंस को निकालने के लिए, उसमें पूरा सहयोग दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ठीक है जी हमारे पास पैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो नीतियां हैं ये पाकिस्तान के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट नहीं तय करती, ये उधर फौज तय करती है और उसी का दबदबा चलता है। फौज ही सारा कुछ करती है। और जितना ये सारा आप देखें, चाहे पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके ये तालिबान बनाया इन्होंने, फिर उसके बाद में अब तालिबान के साथ भी इनकी अनबन है, और उसे जो ये जितने ये मिलिटेंट ग्रुप्स बनाए हैं सारे, वो सारे के सारे तभी बने जब रशिया ने अफगानिस्तान इन्वेड किया और ये अपना जो है ये इसने सीआईए ने जी वहां जी उनको उनको $500 मिलियन बिली कार्टर ने दिए, जिमी कार्टर ने दिए जब वो प्रधान जो प्रेसिडेंट थे, बिना सेनेट की मंजूरी के, वो सिर्फ इसके लिए कि वो ये दहशतगर्द ग्रुप तैयार करें और उसको रशिया को निकाले। अब उसको आगे बढ़ाते हुए आप देखिए आज क्या स्थिति है, वही जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हुए, इनकी फौज के खिलाफ हो गए हुए हैं। अब फौज जो है वो ये नहीं चाहती कि वो सत्ता संभाले। जो ये बिल्कुल कार्रवाई हो रही थी सारी इमरान खान की और सारी कुछ, ये बेसिकली इमरान खान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, बनाया उसको फौज ने है, बनाया उसको बाजवा ने था, और उसने बाजवा से ही लड़ाई ले ली। वो सिर्फ इसके लिए कि वो जो आईएसए चीफ जो है हमीद मुल्क, उसके जो आईएसए चीफ के वजह के, और कुछ नहीं था, उस आईएसए चीफ के लिए वो अड़ गया और उसके लिए आज उसने सत्ता भी खो ली। और आज ये जो शाहबाज शरीफ है वो आ गए हैं और अब ये लगे हुए हैं उसको प्रोटेस्ट और सारा कुछ। भले पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उसका तो बेहाल है, वो उसका तो बिल्कुल, आप यानी यानी पूछ ये ही कहा नहीं जा सकते सकता है उसका कि हालत क्या है। बाजवा साहब को भी टेंशन है बॉर्डर एरिया की, क्योंकि तालिबान के अंदर जो सिचुएशन हम देख रहे हैं बॉर्डर एरिया पर क्या है, इसलिए वो सत्ता में अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा से कहा जाता रहा बिल्कुल कि सत्ता में इंटरेस्ट सेना लेती है। शहजाद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, नहीं अनिल गौर साहब आपके पास तुरंत आता हूं। शहजाद साहब क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी हम पाकिस्तान के मसले की बात करें तो पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसले को हल ही नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आप देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो अस्थिरता का माहौल है उसे देख लीजिए, लेकिन हाँ पाकिस्तान को फिक्र जरूर है भारत की, पाकिस्तान को फिक्र जरूर है यासीन मलिक की, पाकिस्तान को फिक्र जरूर है कश्मीर की, क्योंकि अभी हमने देखा कि हिना रब्बानी खान जो विदेश राज्य मंत्री है उनकी तरफ से भी कश्मीर मसला उठाया गया, शहबाज शरीफ भी कश्मीर मसला उठा रहे हैं, यासीन मलिक को दर्द हुआ, इमरान खान साहब को भी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि विदेश रणनीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, आप अपने देश के लिए कुछ काम मत करिए लेकिन अपने पड़ोसी देशों पर ध्यान दीजिए, बस इतना रह गया है पाकिस्तान का काम। देखिए बिल्कुल, अगर हम पाकिस्तान की जो सिचुएशन देखें, जहां तक कश्मीर का मसला है, अगर कोई उनका पॉलिटिशियन अगर कश्मीर के मुद्दे को छोड़ेगा तो उनकी पॉलिटिक्स वहीं पे डेड हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए जब भी वहां इलेक्शंस होते हैं तो पहला मुद्दा उनका कश्मीरी होता है, तो मुझे लगता है कि वो कोई भी पार्टी आएगी, पावर में आएगी या अपोजिशन में रहेगी, वो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएगी, क्योंकि वो आवाम में ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, वहां पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कोई भी पार्टी उठेगी। जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, बिल्कुल अभी तक काफी पाकिस्तान का नुकसान हुआ है फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें, अच्छी उनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं रही है इमरान खान के भी। अब ये कोशिश कर रही है कि हम अपने जो भी इमरान खान ने गलतियां की उसको शायद हम थोड़ा उसको सुधार सकें, जी क्योंकि देखिए अभी कुछ सऊदी ने भी इनको फिर से कर्ज देने की बात कही, उसमें कुछ रियायत देने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश जरूर करेंगे कि जो है कुछ इकोनॉमी को अच्छी करें। और जहां तक इमरान खान की बात है, मुझे लगता है कि एज ए पॉलिटिशियन उनका ये कदम उनके कैरियर के लिए काफी मुफीद साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए अपोजिशन में अगर आप हैं, अगर आप मुद्दों को नहीं उठाएंगे
और अगर सड़कों पे नहीं जाएंगे, डेमोक्रेसी में यही कहा जाता है कि अगर आप पीसफुल बिल्कुल तरीके से जी अगर आप जी डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं तभी अपने हक को हासिल कर सकते हैं, या जो अपना जो आपका मोटिव है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिक्स में, उसको हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इमरान खान ने भी सत्ता में थे उन्होंने काफी सीखा है, और 2014 में भी उन्होंने 26 दिन तक ये मार्च चला था। उसके बाद आप देखिए इमरान खान पॉपुलर है, उनकी पार्टी जो पावर में आई, इमरान खान को पता है कि यहाँ अगर हम बैठते हैं तो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपोजिशन ये अपोजिशन में है तो मुझे लगता है उनको लगता है कि अपोजिशन में अगर हमें गेन करना है आगे इलेक्शन में तो हमें जनता या आवाम को दिखाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। और जहां तक अमेरिका की बात है, बिल्कुल अमेरिका में जो है अमेरिका की जो बात है, पाकिस्तान में एक एंटी सेंटिमेंट है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका जो है उसको ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका उसके लिए जिम्मेदार है। जैसे गौर साहब अभी बता रहे थे कि जिस तरह से इंटरवीन किया अमेरिका, अमेरिका ने जिस तरह से जो है मुजाहिदीनों और उनको मुजाहिदीन कहा, उन्हीं लोगों को उन्होंने अमेरिका ने जिस तरह से ट्रेन किया वहां पे जो है पाकिस्तान में, उसी का आज नतीजा जो भी ये टेररिस्ट ग्रुप है आज जो लड़ रहे हैं डिफरेंट टाइप के, अमेरिका ने उनको ट्रेन किया। तालिबान की आप बात करें, मुल्ला उमर किसके खिलाफ लड़ा था? मुल्ला उमर जो है सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ा था, उसकी आंख भी एक उसमें सोवियत यूनियन के जिहाद में चली गई थी। फिर वही मुल्ला उमर जो तालिबान बनाया और अमेरिका के खिलाफ, फिर अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ग्रुप किया। तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के खिलाफ, अपने इंटरेस्ट के साथ जो है वो रहता है हमेशा। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका कभी भी किसी का रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है और उसका जो पहला मकसद होता है अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो गई है। अब एक एक कठपुतली की तरह पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, अगर मैं सही हूं तो इस वक्त कठपुतली की तरह पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ को हम देख रहे हैं कि बार बार लंदन जाना, उनके विदेश मंत्री लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ वहां से उसे चला रहे हैं, और आप पूरी तरीके से कहा जाता है कि कठपुतली की तरह ही इस्तेमाल पाकिस्तान इस वक्त हो रहा है। सर मैं आपके पास लौटता हूँ, आरबी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी एक चीज हम बड़ी देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मोदी सरकार की बात लगातार हो रही है, 8 साल मोदी सरकार को भारत के अंदर हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब भारत की तारीफ करते हुए बड़ा नजर आ रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है? और जिस तरीके से शहजाद साहब ने बताया कि विपक्ष की काफी भूमिका होती है, और विपक्ष जब तक सड़कों पर नहीं आएगा, जब तक टारगेट सरकार को नहीं करेगा, जब तक बात नहीं बन पाएगी, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है या वाकई हम देखें कि इन 8 सालों में ऐसी चीजें हुई हैं जो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ रही? देखिए, मोदी की तारीफ जो पाकिस्तान में हो रही है वो इसलिए हो रही है कि भारत एक स्टैंड ले रहा है जी। वो क्वाड का मेंबर भी है, उधर रसिया के साथ संबंध भी, वो किसी की कठपुतली या किसी का पिछलग्गू नहीं बन रहा है। और पाकिस्तान के साथ ट्रेजडी यही है कि पहले उसे अमेरिका यूज करता रहा, फिर चीन यूज करता रहा, चाइना ने भी अपना वहां इन्वेस्टमेंट किया, और बहुत सारी चीजें उस तरह से हो रही हैं कि लगता है कि राजनीतिक दल और दलों को वहां पाकिस्तान की चिंता है न पाकिस्तान के आवाम की चिंता है। महंगाई चरम पर है, रोटी महंगी हो गई है, पेट भरना मुश्किल हो रहा है, आर्थिक हालात खराब हो चुके हैं देश के, तो देश पर या देश की प्रगति पर किसी का फोकस नहीं है, सबका फोकस सत्ता पर है और सत्ता के साथ मलाई पर है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, और देखिए सेना, सेना अभी भी स्थिति को वहां पर आकलन कर रही है। जब प्रदर्शन के लिए इमरान सरकार के या इमरान सरकार की पार्टी के लोग जब आ रहे थे तो अवरोध पैदा किए गए, वहां कंटेनर लगाना या रास्ते रोक देना, लेकिन उसके बाद उन्हें परमिशन मिल गई, और परमिशन मिल गई तो सेना ने कह दिया है कि देखिए भाई आप दोनों मिलकर जो भी आपके मतभेद हैं दोनों सुलझा लीजिए। अगर यही हालात रहेंगे जी जी तो एक परिदृश्य ये भी बन सकता है कि सेना सत्ता पर काबिज हो सकती है। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, आगजनी हो रही है, गोले दागे जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, और मैं समझता हूं ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक खबर आ रही है, इमरान खान के आजादी मार्च से पाकिस्तान में हिंसा भड़क गई है और इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन फूंक दिया गया है।
बड़ी जानकारी उस वक्त की आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान से सेना की तैनाती की गई है और जिस तरीके से लगातार गैस हमारे साथ बने हुए हैं वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी आ गई है कि पाकिस्तान कई शहरों में हिंसक झड़पें और मेट्रो स्टेशन को फूंक दिया गया है। अनिल साहब, कैप्टन साहब, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सत्ता सेना संभाले, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं हम देख रहे हैं खानों की रोटी नहीं है। सेना की बात करें तो सेना अभी इंटरेस्ट ले नहीं रही, क्योंकि तालिबान को जो पैदा करने की कोशिश, जो सहायता देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, अब वही खार खाए बैठा है पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान। तो आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। अर्जी, लगता तो यही है। देखिए, अगर जिस हिसाब से अब ये अपोजिशन में जाके इमरान खान ने अब ये वहां पे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब अपने आप को जिंदा रखने के लिए तो वो अपोजिशन का रोल निभाएगा, इसी हिसाब से प्रोटेस्ट कर मार्च करेगा। अब ये पहला प्रोटेस्ट है उनका, इससे पहले अपोजिशन वालों ने भी किया था प्रोटेस्ट वगैरह, तो उसमें फौज ने तो साफ कह दिया था कि जी हम नहीं जानते कुछ, आप देख लीजिए ये अपना जो है डेमोक्रेटिकली जो जैसे भी है आप कर लीजिए इसको। और तभी इमरान खान के से जो उनके जो सपोर्टर थे वो वहां से हटके शाहबाज के पास आ गए। अगर फौज कहती थी कि हमने इमरान खान के सिर के ऊपर हाथ रखा है तो ये कभी नहीं होता। तो ये जो है सारा खेल जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब जो दिख रहा है आने वाले दिनों में वही दिख रहा है कि वहां मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। पर उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है, जो बाजवा नहीं चाहता, कि अगर उसने मार्शल लॉ लगा दिया तो जो उनको अभी IMF वगैरह से या दूसरे मुल्कों से जो एड मिल रही है वो रुक जाएगी, और क्योंकि ये नॉन डेमोक्रेटिक चीज हो जाएगी तो वो सारा पैसा रुक जाएगा उनके लिए। और जब पैसा रुक जाएगा तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में तो आगे भुखमरी है, उनका जो रुपया है वो आगे 200 रुपए से ऊपर का एक डॉलर आ रहा है, तो वो जो सारी उनकी प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो उसका तालिबान के साथ जो डुरंड लाइन के ऊपर जो झगड़ा चल रहा है, जो बार बार जो वहां से तालिबान फौज को अटैक कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो हो रहा है, तो वो सारा का सारा वो जिम्मा सारा मतलब की वो घड़ा जो है वो पाप का अपने सिर पे रखेगा। मेरे को लगता नहीं बाजवा ऐसा करेगा, क्योंकि बाजवा को पता है कि भाई देखिए अब मैंने थोड़े दिन रहना है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद काफी पैसा है, जमीन है, सारा कुछ है, तो वो यही चाहेगा कि अपना टेन्योर जो है वो निकाल ले, नया चीफ आ जाए, वो उसके वाले है कि भाई आपने मार्शल लॉ लगाना है नहीं लगाना, ये जो सारी चीजें करनी है नहीं करनी, क्या करना है आप करें। तो अभी जो है हालत यही है कि इसके ऊपर सख्ती जरूर होगी। अभी आप देखें ये तो अभी फूका है, इसके बाद आप देखेंगे फायरिंग भी होगी इनके प्रोटेस्टर्स के ऊपर, लोग मरेंगे वहां पे, तो ये कार्रवाई चलती रहनी है। शहजाद साहब, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से अनिल गौर साहब कह रहे हैं कि भैया ये स्थितियां तो चलती रहेंगी, लेकिन जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बनी हुई हैं, एक तो उसका फायदा किसे होने जा रहा है, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा जो बार बार इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरा रूस जाना कहीं ना कहीं नागवारा कुछ लोगों को घुस रहा और ये साजिश विदेश के अंदर रची गई है, क्योंकि बार बार अपनी तकरीर में कहीं भी वो जलसा करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर कहीं पे भी वो जलसा कर रहे हैं, तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ विदेश से साजिश रची गई है। क्या वाकई ऐसा है या लोगों की भावनाओं को टच करने की वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं? शहजाद साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, क्या इंटरवेंशन तो रहा है दूसरे, खासतौर से अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका ने डिफेंस में उनको काफी मदद की है। अभी ज्यादातर पाकिस्तान की आर्मी जो अपने हथियार इस्तेमाल करी चाइना का, तो उसके साथ अमेरिका के भी बहुत से वीपन को इस्तेमाल करती है और अमेरिका ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। और जहां तक बात है आवाम की तो बात नहीं मैं कर सकता, लेकिन अगर हम कहें तो जो डिफेंस में लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन नवाज भी हैं, और वो इमरान खान को शायद जो उनकी एंटी अमेरिकन पॉलिसी रही है उसके उसी की वजह से शायद उनको बहुत ज्यादा नहीं पसंद। जैसे अभी गौर साहब ने भी कहा है बाजवा की जहां तक बात कही है, तो बाजवा या जो भी आर्मी के लोग हैं, जो आर्मी में जो लोग रहे हैं, वो जाहिर सी बात इमरान खान जिस तरह से बिल्कुल एंटी उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो पॉलिसी अपनी बनाई उसकी वजह से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। जहां तक IMF की और जो दूसरी बातें, पाकिस्तान बार बार डिमांड करता रहा कि हमें दिया जाए, इसीलिए पाकिस्तान को नहीं मिला। और मैं एक चीज फिर से कहना चाह रहा हूं, ये जो प्रोटेस्ट है अभी हिंसा की, जो आपने वायलेंस दिखाया अभी आपके चैनल पे आ रहा था, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में प्रदर्शन या डिमोन्स्ट्रेशन बोल, लेकिन वो पीसफुल होना चाहिए। अगर पीसफुल नहीं रहा तो जैसे गौर साहब कह रहे थे मार्शल लॉ या, तो मुझे भी लगता है कि अगर इस तरह से हिंसा होगी, वायलेंस होगा, तो इमरान खान को नुकसान होगा, इमरान खान की पार्टी को नुकसान होगा और मार्शल लॉ भी लगेगा। लेकिन मार्शल लॉ इतनी जल्दी नहीं लगेगा, जो कि पाकिस्तान की जो हालत है, जैसे गौर साहब ने भी कहा
कि आईएमएफ पैसा भी नहीं देगा अगर मार्शल ना लगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफी का वो काम करेंगे। लेकिन अगर वायलेंस बहुत बड़े पैमाने पे होता है तो जाहिर सी बात है फिर आर्मी को आना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी में प्रदर्शन वही कामयाब होता है जिसमें हिंसा नहीं होती, वायलेंस नहीं होता। अगर वायलेंस आप करोगे तो जाहिर सी बात वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। और जहां तक आवाम की बात है, आवाम भी सब देख रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर वो तारीख का ऐलान नहीं करते हैं कि कब इलेक्शन होगा, तो मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो उनकी जो पार्टी है पूरी तरह से जो कोशिश करेगी कि इसी तरह से प्रदर्शन हो ताकि वो ऐलान करें, ताकि मैं अच्छे तरीके से तैयारी करूं अगले इलेक्शन की। आरवी साहब, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं क्योंकि आप भी लगातार इन तस्वीरों को वॉच कर रहे हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान साहब की, तो जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आगे आने वाले समय में चुनाव होते हैं, मान लीजिए अगर चुनाव हुए, तो क्या वाकई इमरान खान साहब जो ये माहौल बनाने की कोशिश करें उसका फायदा इमरान खान साहब को मिलेगा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। अभी शहजाद साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आप प्रदर्शन करिए, आवाम भी जानती है कि प्रदर्शन होता है लेकिन वो अहिंसक तरीके से होता है। अगर आपने हिंसा करी तो क्या कौन सी साजिश रची जा रही है, क्या हो रहा है, वो सबके सामने खुलकर सामने आ जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है इसका फायदा सीधे सीधे इमरान खान को मिलेगा आगे आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं? देखिए देवबन से जब से उनके खिलाफ ये साजिश हुई और तथा से उन्हें बेदखल होना पड़ा, उसी दिन से सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि विदेशी पैसा और विदेशी इशारों पर और ये सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जनता को मैसेज देने की कोशिश तो उन्होंने डे वन से की है, और आज वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं सरकार को जल्दी से जल्दी इलेक्शन डिक्लेयर कर। तो कहीं ना कहीं इमरान खान को लगता है कि इलेक्शन होगा तो आवाम उनके साथ खड़ा होगा। आवाम इसलिए खड़ा नहीं होगा कि भी इमरान खान का शासन बहुत अच्छा था, बल्कि इमरान खान ये उम्मीद करते हैं कि भी अमेरिका के खिलाफ वहां जो जन भावनाएं हैं उनका बेनिफिट कहीं ना कहीं इमरान खान को मिलेगा। और इमरान खान इसीलिए अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ अमेरिका के कहने से हुआ है, अमेरिका के दबाव में हुआ है और मुझे सत्ता से बेदखल किया गया है। और वहां एंटी अमेरिकन एक जबरदस्त ज्वार है लोगों के मन में, एक कहीं ना कहीं भावना है अमेरिका के खिलाफ। और देखिए जो नीतियां बनाई गई इमरान की अमेरिका के खिलाफ वो चाइना के दबाव में, जब चाइना ने कर्ज दिया निवेश किया तो कहीं ना कहीं इमरान को मजबूर किया कि वो अमेरिका के खिलाफ इस तरह का माहौल में बनाए। अगर चाइना, जबकि इमरान खान को ये चाहिए था कि भी चाइना के साथ साथ अमेरिका के साथ भी संबंध दुरुस्त रखने थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और एक तरफा चाइना के दबाव में कहीं ना कहीं अमेरिका को नाराज किया, जो कि सेना को पसंद नहीं आया। सेना जानती है कि भी मदद और इमदाद अब तक जो मिलती रही है अमेरिका से वो उसी तरीके से मिलेगी, तभी पाकिस्तान के आवाम को कोई फायदा पहुंच सकता है, वहां के मिलिट्री को कोई फायदा मिल सकता है। और ये सवाल बाजी भी है आरबी साहब, क्योंकि ये पूछने की कोशिश मैं कैप्टन साहब से करता हूं, क्या वाकई ऐसा कैप्टन साहब लग रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच पाकिस्तान पूरी तरीके से पिस गया है, क्योंकि अमेरिका के साथ समन्वय नहीं बन पाया, वो तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन ने इतना पैसा दिया कि कर्जे तले डूब गए हैं, पाकिस्तान पूरी तरीके से डूबा हुआ है, तो क्या दो बड़े सुपर पावर देशों की जो होड़ चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे देशों को जो अपने अंडर लाने की कोशिश हुई उसमें पाकिस्तान पिस गया? हर चीज ऐसा है कि देखिए पाकिस्तान हाल में जिस हाल में चीन से सारा कर्जा कुर्जा लेके ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बैठा हुआ है, और जिस हिसाब से उस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऑपोजिशन चल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो ऊपर आप देख लीजिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, वो वहां पे उनके ऊपर हर जगह उसके खिलाफ ऑपोजिशन खड़ी हो रही है। और अब चीन कह रहा है कि जी आप मेरे को परमिशन दीजिए, मैं अपनी फौज वहां खड़े करना चाहता हूँ उनको बचाने के लिए। तो ये सरासर एक जो गेम प्लान बन रहा है चीन का वो वही बन रहा है कि देखिए जैसे मैं आपको अगर तर्क दूं तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए ब्रिटिश को उन्होंने ब्रिटिश फौज को लाना शुरू किया जी अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचाने के लिए, और आते आते हुआ क्या कि सारे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, वही चीन अब यहाँ पे करने लगा है। एक दूसरी बात जो है अमेरिका की,
अमेरिका ने इनको बड़ा क्लियर कर दिया है, क्योंकि देखिए जब ये जो जिस हिसाब से इनका विड्रॉल था अफगानिस्तान से, उसमें इनका बड़ा क्लियर कट था कि वहां पे ये जो सरकार है वो रहेगी, पर उसके अंदर आईएसआई ने और पाकिस्तान की फौज ने बड़ा गंदा गेम खेला और उन्होंने ये पूरा तय किया कि जैसे ही अमेरिकन फौज निकली तो तालिबान को साथ में मिलके इन्होंने पूरा का पूरा कब्जा दिला दिया। आप देखिए पांचीर घाटी में क्या हुआ, पांचीर घाटी में इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के अंदर कमांडो भेज के वहां पे जो है और साथ में तालिबानी लेके गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा करा दिया, ताकि सारा का सारा जो है एकदम खेल खत्म करने की कोशिश की। अमेरिका को रास नहीं आया अभी तक, और अमेरिका ने उससे पहले भी आपने देखा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि हमने बिलियन ऑफ डॉलर दे दिए इनको, ये जो है पाकिस्तान को इन्होंने हमें दिया क्या है इसके बदले में, कुछ नहीं। तो अब जो है अमेरिका अपना हाथ खींच के बैठा हुआ है, वो कहता है कि हमें जरूरत नहीं है कोई, क्योंकि अब उसको पहले पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि लैंड रूट वहीं से था, सप्लाई उसकी वहीं से जाती थी, अब उसको जरूरत नहीं है। तो उसने कहा ठीक है आप जाओ, अब आप फंसे हो चीन के पास में। अब वो जो चीज है पाकिस्तान का वजूद जो है एज अ नेशन, जिस हिसाब से आप देखिए श्रीलंका में आज क्या हो रहा है, श्रीलंका में किस हिसाब से वो हो रहा है, वही हाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाला है। और फिर जो है जो चीन की जितनी इन्वेस्टमेंट है, अब दो बातें रहेगी इसके अंदर कि चीन अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए क्या वहां पे अपनी फौज खड़ी करेगी, या चीन अपने पैसा जो है उसने लगाया है उसके अंदर जो 30-40 बिलियन जो बातें आप बता रहे हैं ना, क्योंकि अगर बात करें हम अलग अलग देशों की तो वो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी को अपनाते हैं, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारत मदद पहुंचाता है वो ये नहीं कहता कि भैया हमें वापस आ मदद करेगा, कहीं ना कहीं इसी पॉलिसी को लेकर आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है और वाकई ऐसा हमें देखने को भी मिल रहा है। मेरे पास समय इतना ही था कैप्टन साहब, मैं माफी चाह रहा हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। आरबी साहब आपसे भी माफी, आपसे जरूर मुलाकात होगी। शहजाद साहब आपसे भी माफी, जरूर मुलाकात होगी। एक बार फिर हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के मुद्दे पर ही, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और तमाम जो मेहमान थे वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान का भविष्य रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में उबाल है और पाकिस्तान में बवाल है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।